युवाओं को आतंकवादी बनाते थे अतीक अशरफ। बदले में मिलता था तबाही का सामान। पाकिस्तान से करते थे बड़ी बड़ी डील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये योगी राज है, यहाँ माफियाओं को अपराध करने से पहले ये सोचना होगा कि आने वाले समय में इस अपराध का अंजाम क्या होगा। इसका ताजा उदाहरण है माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार, जिनकी माफियागिरी तो खत्म हो ही गई है, इसके साथ ही उसका सारा काला चिट्ठा अब खुल भी रहा है। जैसे अब एक बार फिर से अतीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि युवाओं को आतंकी बनाते थे अतीक और अशरफ। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। यूपीएसटीएफ की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि अतीक और अशरफ दोनों मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजकर आतंकी संगठन से जोड़ते थे, जिसके बदले उन्हें हथियारों की खेप मिलती थी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक युवा का नाम सामने आया है जिसको अतीक अशरफ ने पाकिस्तान भेजा था आतंकी बनने, जिशान कमर, जिसे अतीक अशरफ ने पाकिस्तान भेजा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रयागराज से कई मुस्लिम नौजवानों को विदेश भेजने और आतंकी संगठनों से जुड़ने की भूमिका सामने आई है। इन सब के बदले अतीक और अशरफ गैंग को इनाम के रूप में पाकिस्तान से हथियारों की खेप भेजी जाती थी। बता दें, ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे जाते थे। इसके पहले भी इसको लेकर खुलासा हुआ था, जिस पर पुलिस ने बताया था अतीक के पास कभी हथियारों की कमी नहीं हुई, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पाकिस्तान के ISI और आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से सीधे संबंध थे। बात की जाए जिशान कमर की, तो ये वही लड़का है जिसको सितंबर 2021 में UPSTF ने पकड़ा था, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ से उसकी नजदीकी का खुलासा हुआ था। बता दें, जिशान पर पाकिस्तान जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग और जिहाद में हिस्सा लेने का आरोप लगा था। वही जांच में तो ये भी सामने आया है कि ये लोग मुस्लिम नौजवानों को फंसाते थे, उन्हें पैसा और अन्य चीजों का लालच देकर खाड़ी देश भेजने के लिए तैयार करते थे, जिसके बाद वहां से सीधा इन्हें पाकिस्तान भेजा जाता था। जांच में ये भी पता चला है कि अशरफ ISI के निर्देश के मुताबिक युवाओं को भारत में काफिरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मेंटली तैयार करता। इतना ही नहीं, आप जरा सोचिए अतीक अशरफ की कहां तक पहुंच होगी कि ये मासूम युवकों को लालच देकर फिर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जिहाद में शामिल होने खाड़ी देश के जरिए पाकिस्तान भेजते थे। और अब UPSTF ऐसे युवाओं की सूची बना रही है जिन्हें अतीक और अशरफ फंसाते थे। फिलहाल इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है, और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चाहो और खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं।